ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 84 और आपका जो टॉपिक चल रहा है बेटा वैद्युत अपघटनी सेल चल रहा है। और वैद्युत अपघटनी सेल में आप लोग जो एनोड होगा वो धनात्मक है जिसको धनाग्र बोलोगे, और जो कैथोड है उसको आप लोग ऋणाग्र बोलोगे। ठीक है, सामान्य कंडीशन। आप लोगों कुछ सवाल चल रहे थे, मैंने आपको सवाल ये कराया था कि पीटी का इलेक्ट्रोड हो, किसका हो बेटा, पीटी के इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और एनोड, पीटी का इलेक्ट्रोड हो तो हो तो NaCl, NaCl विलयन लोगे आप लोग, गलित NaCl लेना है आपको। क्या लेना है, गलित, गलित का मतलब गड़ा हुआ। अपन जानते हैं कि भाई ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, समझ में आ गई। यदि अपन को गलित अवस्था मिलेंगे तो विद्युत का चालन करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन ये थी, नंबर दूसरा सवाल ये बताया था कि पीटी इलेक्ट्रोड हो, पीटी के क्या हो, इलेक्ट्रोड हो तो NaCl का जलीय विलयन, NaCl का कौन सा विलयन लोगे, जलीय। फिर एक सवाल ये बताया था नंबर तीन, पीटी का इलेक्ट्रोड, पीटी का क्या है, पीटी का इलेक्ट्रोड और सीधे बोलते हैं CuSO4 का जलीय विलयन। तो आप लोगों से मैंने अब ये बताया था बेटा कि तुम लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि कैथोड तथा एनोड, ये देख रहे हैं आप, कैथोड और एनोड, कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ का नाम बताओ, ये कंडीशन थी। तो आपको मैंने जब ये चीज़ बताई थी तो NaCl, पहला सवाल अपन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा नॉर्मली वापस बता रहा हूँ, NaCl को आप लोग तोड़ रहे हो तो ये बेटा Na++Cl- में टूटेगा का नहीं टूटेगा भाई, वैद्युत अपघट्य जो विलयन है अर्थात वैद्युत अपघट्य आप क्या ले रहे हो, यहाँ पर NaCl ले रहे हो, जब लोगे तो टूटेगा। तो यहाँ पर दो अभिक्रिया होने वाली, फर्स्ट अभिक्रिया कैथोड पर, या अपन शुरू कर देते हैं एनोड पर, एनोड पर अभिक्रिया भाई, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होने वाली है, तो एनोड कहाँ है, अब एनोड कौन सा है, क्या है ये एनोड, एनोड धनात्मक है तो इसमें ऋण वाला जाएगा, ऋण वाला कौन है, Cl। तो अपन कितना Cl, जो भी है अपन संतुलित के हिसाब से 2Cl- ले लिया, 2Cl-, तो यहाँ पर एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है अपन जानते हैं, कौन सी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है मेन बात। तो यहाँ ये बाहर निकला, प्लस क्या बाहर आया, 2E-, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब कैथोड काई का होता है, ऋण का, ऋण के पास कौन जाने वाला है, धन जाने वाला है। तो अब नंबर दो कौन सी होगी, यहाँ पर अपन ने बोली कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, तो क्या ले लेंगे अपन यहाँ पे, 2Na++, 2E-, एरो के बाद 2Na। तो सवाल आया कि कैथोड तथा एनोड पर, कैथोड पर तो सोडियम धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस का निष्कासन होगा, पहला सवाल तो ये हो गया अपना। फिर दूसरा सवाल अपन ले रहे हैं भाई, दूसरे सवाल के अंदर क्या लिया, NaCl का आप लोग क्या ले रहे हो, जलीय विलयन ले रहे हो। तो यहाँ पर पहले सवाल का तो आंसर ये हुआ कि कैथोड पर तो Na और एनोड पर क्लोरीन गैस का निष्कासन। दूसरा सवाल क्या था भाई, NaCl का जलीय ले रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, NaCl को तोड़ोगे, किसमें टूटेगा, Na++Cl- में, ठीक। अब जल को तोड़ोगे क्या, अरे क्यों तोड़ेंगे जल को, क्योंकि जलीय विलयन है, यहाँ पर तो गलित अवस्था में लिया है अपन ने यहाँ पे। अब जलीय विलयन ले रहे हो तो जल तोड़ोगे तो जल टूटेगा आपका HOH, एरो के बाद H++OH-। फिर अब इन दोनों के भाई दो धन है और दो ऋण है, अब दोनों में से एक जाएगा, दोनों के मध्य एक कंपटीशन होगा, और कंपटीशन की क्रिया को अपन एक तरह से उदासीनीकरण विभव क्रिया बोलेंगे, जिसका उदासीनीकरण विभव का मान कम होता है वो पहले जाएगा भाई, ताकत जिसकी है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की ताकत Na से अधिक है, ठीक है, Na से अधिक है, तो ये H कहाँ जाने वाला है, ऋण के पास जाने वाला है। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखें तो Cl की ताकत ज़्यादा है, तो यहाँ पर किस पे जाएगा, यहाँ, तो यहाँ कौन सी गैस का निष्कासन होगा और यहाँ पर कौन सी गैस का निष्कासन होगा। अब विलयन के अंदर एक तो Na प्लस पड़ा है और एक OH-, तो विलयन कैसा हो गया, NaOH के कारण क्षारीय हो जाता है। तो प्रश्न ये, क्या होता है जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ के नाम बताओ। तो कैथोड पर क्या बताओगा, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पर क्लोरीन गैस का निष्कासन, और Na प्लस और OH- के कारण जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है, ठीक है। ये सवाल ये है आप लोगों का दूसरा सवाल। फिर मैं आप तीसरे सवाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा सवाल था जिसके बारे में आप लोग अब अच्छी तरह से समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ले रहे हो आप, CuSO4 का
जलीय विलयन है ये भी, तो Cu+2+ SO4-2। और यहाँ पर जल को तोड़ोगे तो H2O को तोड़ा तो क्या टूटेगा बेटा, H++ OH-। ठीक। अब ताकत Cu की अधिक और H की क्या है कम, तो कैथोड पर अभिक्रिया Cu वाली होगी, और एनोड की बात है तो OH- का उदासीनीकरण विभव अधिक SO4-2 से होगा। हो गया। तो यहाँ कंडीशन क्या करोगे भाई, 2OH-। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला आया, किस पे आया, अरे किस पे है ये, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया लिखोगा तो 2OH- इसको तोड़ोगा, सॉरी तोड़ दिया कहने का मतलब क्रिया करवा रहे हो, तो H2O+O2 ऐसे करते, चार ले लेते हैं ताकि मामला सही रहे, +4E-। तो कौन सी गैस बाहर निकली एनोड पर, ऑक्सीजन गैस बाहर निकली, जल से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ कौन से ले रहे हो यहाँ पे, Cu का। अब कैथोड पर अभिक्रिया, ये कैथोड पर, तो कैथोड पे क्या करोगे, Cu+2 को लिया और इलेक्ट्रॉन ले लिए दो, भाई चार है, चार के अपने तो कितने जितने पड़े उतने ही तो लेंगे, यहाँ दो लगा दो भाई, जहाँ चार ही ले सब हमारा, चार निकला तो चार ही लगाऊंगा, तो यहाँ दो लगा दे या चार लगा दे, चार लगा होगा तो ये आपको हो गया बेटा Cu। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कैथोड पर कॉपर धातु निक्षेपित होने वाली है। ठीक। अब सवाल अगला, जो मैं आपको बताया था कि अब किसका क्या लोगे इलेक्ट्रोड, आपको कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लेना है। यहाँ देखो बेटा अगला सवाल नंबर चार, कॉपर धातु धातु का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड व CuSO4 का जलीय विलयन। ठीक है। अब ये सवाल है, बस इलेक्ट्रोड चेंज हो गए, अब इलेक्ट्रोड चेंज तो अपना पहला काम है जो तो अपन करेंगे भाई, अपन ने क्या करा CuSO4 को अपघटित किया Cu+2+ SO4-2 में, और जल को अपघटित किया क्या करोगे H++OH-। ठीक। अब देखो भैया यहाँ पर सबसे पहली बात, अपन कैथोड की बात करा तो कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो कैथोड पे कौन जाएगा धन, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया H की तुलना में Cu का अधिक है। ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ, अपन ने क्या लिया Cu+2 को लिया, +2E- ले लिया और एरो के बाद Cu बोल दिया। अब एनोड पे आ जाओ, काहे पे आ जाओ, एनोड पर अभिक्रिया। अब एनोड की बात करो, देखो एनोड जो बना है कॉपर धातु का ही बना है, जब कॉपर धातु का बना है तो उस कंडीशन के अंदर इनसे दोनों से कोई लेना देना नहीं, इनकी तुलना में जो कॉपर है ना, कॉपर केवल उसका उदासीनीकरण विभव अधिक है, अधिक होने के कारण एनोड की बात करो, यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ चलेगा तो वही, तो यहाँ पर ये Cu लेंगे और Cu किस में परिवर्तित होगा, Cu+2 में, किस में, Cu+2 में, और 2E- बाहर निकलने वाला है। अब कंडीशन, ये वाला एनोड जो दिखाई दे रहा है ना, ये अशुद्ध धातु का लिया आप लोगों ने, क्या लिया अशुद्ध, किसका Cu का। अब यहाँ से ये कॉपर इधर की तरफ गमन करेगा, गमन करेगा तो कुछ समय पश्चात ये जो आपको कैथोड है वो तो मोटा हो जाएगा और एनोड क्या हो जाएगा, पतला। यहाँ पर अशुद्धि के रूप में जो इसके अंदर अशुद्धियाँ मिली होती ना, उसको बोलोगे आप लोग बेटा एनोड पंक, क्या बोलोगे एनोड पंक बोलोगे, अर्थात एनोड पर इकट्ठे होने वाली जो अशुद्धि है उसका नाम एनोड पंक होगा। तो यहाँ पर आप एनोड पर अभिक्रिया ये वाली दोगे, और जिसका कारण क्यों, इन दोनों की तुलना में जो कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसका उदासीनीकरण विभव अधिक है, इसलिए पहले उसका होने वाला है, बाकी विलयन में निकालते रहे कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा, फिर उसके बाद करना चाहो तो वही 4OH- एरो के बाद H2O+O2+4E-, ये अभिक्रिया भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन हानि ये होने वाली है, इससे तो कोई लेना देना नहीं, भाई जल है तो हो गया काम, जल बन गया, ऑक्सीजन निकलती रही बुलबुलों के साथ, फिर कॉपर धातु निक्षेपित होगी। और कहने का मतलब है कि जब आप लोग कॉपर धातु का शुद्धिकरण करते हो तो ये विधि प्रयुक्त होती है, यदि अपन चांदी का शुद्धिकरण करेंगे तो भी विधि प्रयुक्त होगी, जिंक का शोधन करोगे तो भी यह विधि प्रयुक्त होने वाली है, कुछ धातु ऐसी है जिनका शोधन आप लोग इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो अर्थात समझ में आ गई बात, ये तो इसको बोलोगे आप लोग विद्युत अपघटनी सेल। अगला जो पॉइंट होगा बेटा आप लोगों का वो है धात्विक चालकता, है धात्विक चालकता के बारे में आपको बताया था
धात्विक बताया नहीं था। हाँ बेटा देखो, आप लोगों को जो अगला टॉपिक है मैंने बोला था वो है बेटा धात्विक चालकता। अब अच्छी तरह से जानते हो बेटा पर किसी भी धातु की जो चालकता होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? उसके संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के कारण धातु अपनी चालकता प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? धातु अपनी चालकता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अपन जानते हैं अच्छी तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन है और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो चालकता प्रदर्शित होगी। इसके अलावा मुख्य रूप से अपन धातु की बात करेंगे, लेकिन कुछ अधातु और अधातु के अंदर आप लोगों का एग्जाम्पल अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। अधातु का एग्जाम्पल इसके अंदर अपन जानते हैं ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है कि नहीं करता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। साथ में कार्बन ब्लैक ये भी एक अधातु है, वो भी विद्युत का क्या करता है बेटा? चालन करता है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि धात्विक चालकता किसे कहते हैं बेटा? जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो चालकता प्रदर्शित करता है, इसी को ही आप लोग धात्विक चालकता कहोगे। अर्थात कह सकते हैं भाई जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके संयोजकता कोष में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धात्विक चालकता कहते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ें देखो, ऐसा कोई सवाल आने वाला नहीं है, आज तक तो आया नहीं कि भाई धात्विक चालकता किसे कहते हैं। केमिस्ट्री में नहीं आया, हालांकि फिजिक्स वगैरह में आता है। कारण बात यही है, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उसके संयोजकता कोष में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे ही धात्विक चालकता कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो चालकता का मुख्य कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अपन ताप के प्रभाव की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग ताप बढ़ाओगे धात्विक चालकता का मान घटता है। कारण यहाँ पर जो संयोजकता कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं, और कंपन के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और प्रतिरोध क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की गति को धीमी करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स की गति धीमी होगी तो चालकता में क्या होती है बेटा? कमी होती है। दूसरी बात, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। भाई इलेक्ट्रॉन्स है, कहने का मतलब है कि जैसे लोहे की छड़ है, यहाँ पर तार लगा दिया, करंट आ रहा है, क्या लोहे की छड़ पतली हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना, वैसे की वैसी रहने वाली है लोहे की छड़। कारण तार जैसे तो यदि पतला होता तो तार तो बदलना पड़ता हर दूसरा दिन ही अपन घर में, सही है गलत है? तो कहने का मतलब है कि इस धातु पर जब इलेक्ट्रॉन्स की चालकता होती है तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब मैं इन चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तुम लोगों से सवाल पूछेगा धात्विक चालकता तथा वैद्युत अपघटनी चालकता में दो अंतर बताओ। तो मैंने आपको पहले भी खोल बाजार के बोल चुका हूँ कि कोई भी अंतर यदि आता है तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के अंदर तो कम से कम आपको दो अंतर याद रखने पड़ेंगे। दो अंतर से ज़्यादा अभी तक भी पूछे नहीं गए। चार अंतर दो नंबर का प्रश्न बनता है, और दो अंतर यदि पूछेगा तो वो एक नंबर का प्रश्न बनेगा। तो बहुत सारे अंतर है अपनी किताब के अंदर। कहने का मतलब जैसे आप लोगों को मैंने बताया क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर है, DNA RNA में अंतर, वो बाद में आएंगे। तो बात मेरे समझने की ये है कि आपको अंतर याद रखने हैं। तो सवाल ये हो गया, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके संयोजकता कोष में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसे क्या बोलोगे? धात्विक चालकता। मुख्यतः धातु ही चालकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया अधातु जैसे मुख्य रूप से ग्रेफाइट और कार्बन ब्लैक की बात करो तो ये भी बेटा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। धात्विक चालकता अधातु क्या होते हैं? मुख्य रूप से चालकता प्रदर्शित करते ही नहीं है, लेकिन अधातु में ग्रेफाइट इनका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला जो टॉपिक होगा आप लोगों को वैद्युत अपघटनी चालकता और
धात्विक चालकता में आपको अंतर करना है, समझे। यहाँ पर क्या लिख दोगे, धात्विक चालकता और वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी चालकता, चालकत्व भी बोल सकते हैं इनको, धात्विक चालकत्व और यहाँ पर वैद्युत अपघटनी चालकत्व के नाम से भी जाना जाएगा। अब आप लोग सबसे पहली बात है कि बेटे आपको यहाँ पर कम से कम जो आपकी किताब में दिए 1, 2, 3 और 4 अंतर दिए हुए। पहले अंतर की बात करो तो इनमें चालकता किसके कारण होती है बेटा, इनमें चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। सही है गलत है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो होगी। अब इनमें चालकता किसके कारण होगी, आयनों के कारण। इनमें चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इनमें चालकता किस में होगी बेटा, इनमें चालकता आयनों के कारण होती है। बेटा आयन बनेगा तभी तो होगा, यदि मुक्त आयन बने ही नहीं तो होगी नहीं, नंबर पहला। तो दूसरे की बात कर रहे हो तो इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, धात्विक चालक जो पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है बेटा, है सही है। अब अगला अंतर आपसे, ताप का प्रभाव, धात्विक चालकता का मान ताप बढ़ाने पर घटता है। कारण आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कंपन उत्पन्न होगा और कंपन उत्पन्न होने के कारण प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध होने के कारण धात्विक चालकता का मान घटता है। यहाँ आ जाओ, वैद्युत अपघटनी चालक ताप बढ़ाओगे तो यहाँ पर आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण वो जल्दी जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास, जल्दी जाएंगे तो वैद्युत अपघटनी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और धात्विक चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। समझ भाई, ये आपको ये 3 अंतर देख लेना, आपकी किताब में 4th अंतर भी है और इनको आप लोग सही ढंग से उतार लेना। ठीक है बेटा, फिर आप लोगों का जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का मतलब वैद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। धात्विक चालकता को प्रभावित करने वाले कारक से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ धातु की प्रकृति है धातु। तो यहाँ पर सबसे पहले वैद्युत अपघटनी चालक की कह सकते हो भैया, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति के आधार पर वैद्युत अपघट्य की प्रकृति का मतलब मैं वैसे ही बोल रहा हूँ तुम लोगों को प्रभावित करने वाले। जैसे आप लोग अपन जानते हैं वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है जिसके कारण इनको प्रबल वैद्युत अपघट्य के नाम से जाना जाता है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता इसलिए उनको आप लोग क्या बोलोगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य बोलोगे। जिसमें अम्ल भी बदल आया था मैंने, क्षार भी लिया था मैं, आपको लवण भी बताया था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि वैद्युत अपघट्य की बात करो तो यदि कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य का विलयन है तो उस कंडीशन के अंदर वैद्युत अपघटनी चालकता के मान में वृद्धि होगी, और दुर्बल वाला है तो आयनन पूर्ण रूप से नहीं होगा तो यहाँ पर वैद्युत अपघटनी चालकता के मान में क्या होती है बेटा, कमी। समझ भाई। दूसरी बात, श्यानता की बात करो, श्यानता का मतलब है कोई विलयन तो गाढ़ा है और कोई विलयन तनु है, अर्थात सांद्र है और एक तनु है। जो सांद्र विलयन होता है उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है, श्यानता अधिक होती है। भाई कहने का मतलब है शहद लो और पानी लो तो शहद धीरे धीरे प्रवाहित होता है, धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है तो उसकी श्यानता अधिक है और पानी की श्यानता बेटा क्या कम है। समझ भाई, ऐसे एक तरह जानते एक प्रतिरोध होता है कणों के मत, तो कहने का मतलब ये हुआ कि श्यान विलयनों की जो चालकता है वैद्युत अपघटनी चालकता है वो कम होगी। ठीक है, और जो तनु है उन विद्युत अपघट्यों की चालकता क्या होगी, अधिक। जैसे गाढ़ा मतलब सांद्र NaCl का विलयन लो और एक पतला NaCl का विलयन लो, है पतले वाले के अंदर
आयन दूर दूर जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, जिसके कारण चालकता के मान में वृद्धि होगी। और यदि सांद्र है ना तो चालकता के मान में क्या होगी बेटा, कमी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगला जो टाइप है वो है जलयोजन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा के नाम से। कहने का मतलब है कि जब जल के अंदर H2O में आप लोग NaCl को घोलोगे, किसको घोलोगे, NaCl, NaCl को यदि घोला तो अपन जानते हैं बेटा Na++Cl- में टूटेगा ये तो, और H+OH- में टूटेगा, तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं। कहने का मतलब है जलयोजन ऊर्जा का मतलब ये समझो कि जब एक आयन को विलायक के कण चारों तरफ से घेर लेते हैं ना, कहने का मतलब समझो, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ विलायकन ऊर्जा का मतलब क्या होगा, पहले विलायकन होता क्या है जिसको आप लोग जलयोजन के नाम से जानोगे। NaCl को तोड़ा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटा कि नहीं टूटा, टूटा। अब टूटे ये क्या है, प्लस वाला, और अपन जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ये तो है माइनस वाला सिस्टम, और ये क्या है बेटा, प्लस वाला है कि नहीं है, तो इस प्लस के पास क्या जाएगा, माइनस वाला। तो यहाँ पर O, ये H, फिर या O, ये H, यहाँ H, यहाँ O, ये H, ये H, यहाँ O, यहाँ H, और ये H, यहाँ O, यहाँ H, और ये H, एक तरह से इस Na प्लस को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद जो ऊर्जा निष्कासित हुई या जो ऊर्जा बनी ना, उसी को जलयोजन ऊर्जा बोलते हैं। इसी प्रकार Cl- में कहा है H, H, O ऊपर की तरफ, H, H, O ऊपर की तरफ, H, H, O ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपके H, 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 तो यहाँ पर भी क्या बना, ये कंडीशन बनी, और इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, जलयोजन ऊर्जा। और जलयोजन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा ना, उस वैद्युत तपघट्टे की चालकता का जो मान होगा वो कम होगा, ये ध्यान रख लेना, उल्टा उड़े वाला, समझ भाई। तो पास ये तो उसको जलयोजन ऊर्जा की बात है कि जब किसी भी वैद्युत तपघट्टे को आप जल के अंदर विलय करते हो तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा निष्कासित हो रही है ना, उसी को जलयोजन ऊर्जा बोलो। और जलयोजन ऊर्जा का मतलब है कि जो अपन जानते हैं वैद्युत तपघट्टे अपने आयनों में टूटेगा, आयनों में जब टूटेगा तो जल के अणु धन वाले को भी और ऋण वाले को भी घेर लेते हैं चारों तरफ से। ऋण के पास धन वाला सिरा पहुँचा देना जल का, और धन के पास ऋण वाला सिरा पहुँचा देना, ऋण वाला ओ है और धन वाला क्या है, एच है। और इस कंडीशन को इसी ऊर्जा को बोलोगे विलायकन ऊर्जा। तो ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है, आप लोग अपने प्रभावित करने वाले कारक उसमें से उतारोगे। अगला जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा इसके अंदर, अब आप लोगों ने आप पढ़ ही लिया, और पढ़ने के बाद अगला पढ़ोगे आप लोग बेटा वैद्युत अपघटन के नियम। हेडिंग क्या होगी, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक है। अब सुनो, वैद्युत अपघटन के नियम में, हाँ बेटा देखो, अब अगला टॉपिक जो है आपका वैद्युत अपघटन के नियम। और वैद्युत अपघटन के नियम का मतलब होता है कि भाई फैराडे, इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे फैराडे, फैराडे नामक एक प्रस्तावना टाइप है, नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तथा तथा उसमें उसमें प्रवाहित, उसमें प्रवाहित धारा, धारा के मध्य मध्य एक संबंध संबंध स्थापित किया, स्थापित किया है, जिनको फैराडे के नियम कहते हैं, फैराडे के नियम कहते हैं। सबसे पहली बात है भाई फैराडे का नियम क्या है, मतलब क्या किया है, किस फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रोड, कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो एम है तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो क्यू है के मध्य एक संबंध स्थापित किया, और संबंध स्थापित किया दोनों में, दो नियमों से। एक नियम है फैराडे का प्रथम नियम,
और दूसरा नियम है फैराडे का द्वितीय नियम। तो यहाँ पर संबंध स्थापित किया जिनको फैराडे का नियम कहते हैं। तो ये नियम बेटा दो है, पहला माइकल फैराडे या केवल फैराडे लिख देते हो आप लोग, फैराडे का प्रथम नियम। कौन सा बेटा? फैराडे का प्रथम नियम। ध्यान रखना आपको प्रथम नाम नियम और द्वितीय नियम से हिसाब से पूछेगा वो। प्रथम पूछे तो प्रथम के हिसाब से बोलना और द्वितीय पूछे तो द्वितीय के हिसाब से लिखोगे। ये नहीं कि आप लोग फैराडे के नियम में कोई सा भी लिख दो, ऐसा नहीं। सवाल पूछेगा और मैंने अभी थोड़ी देर में तो 2020 के अंदर ये सवाल आया था, सवाल नंबर चौथा है ना, चौथा ही है ये 2020 में, और एक नंबर का सवाल था। अब इसके अपन परिभाषा लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे? परिभाषा। सरल सी परिभाषा है। परिभाषा देने के बाद M समानुपाती Q यही लिखना था, केवल पूछा कि फैराडे के नियम को परिभाषित करो, बस एक नंबर का सवाल था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा नियम में? जब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा और विद्युत धारा को बोलो क्यू, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, जिसको आप में कैपिटल एम छोटा एम बोलना, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। इसे ही फैराडे का प्रथम नियम बोलोगे। जब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा क्यू प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा एम उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। समझ भाई, समान समय तक करोगे तो अब आप लोग क्या आएगा? एम समानुपाती क्यू के। हाँ बेटा, तो परिभाषा, जब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा की मात्रा क्यू प्रवाहित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा एम क्या? प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो M समानुपाती क्यू के। यहाँ हम कह सकते हैं भाई क्यू बराबर I इंटू टी होता है बेटा, है I बराबर क्या चीज़ है बेटा? I बराबर एम्पियर में धारा और T बराबर क्या है बेटा? समय। और समय काहे में लोगे? समय आपको किस में लेना है? सेकंड में लेना। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि भाई सबसे पहले कि M समानुपाती I इंटू टी। ठीक, अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक रासायनिक तुल्यांक लगेगा। रासायनिक तुल्यांक तो क्या बोला कि M बराबर WI इंटू टी। ठीक है बेटा, ये वाला तो W बराबर क्या चीज़ है? W बराबर इसको बोलोगे रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलोगे? रासायनिक तुल्यांक के नाम से जाना जाएगा। अब आप लोग रासायनिक तुल्यांक कहते हैं किसे? इसकी यदि अपन परिभाषा दें, इसकी परिभाषा यदि अपन देंगे तो I बराबर तो एक एम्पियर और T बराबर एक सेकंड रखोगे। I बराबर एक, T बराबर भी एक, तो M बराबर क्या हो जाएगा? W। कहने का मतलब है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में एक एम्पियर की धारा को एक सेकंड तक प्रवाहित करोगे तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है वो उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। और इसे ही क्या बोलोगे? फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम की परिभाषा ये है, वो भी प्रथम नियम की परिभाषा है। तो अपन कह सकते हैं बेटा, आगे मैं इस परिभाषा को तो यहाँ से मिटा रहा हूँ। अपन क्या कर रहे हैं, आगे चलने के बाद इसको नीचे लेके कि यदि आई बराबर एक एम्पियर, आई बराबर क्या लिखोगे? एक एम्पियर और टी बराबर एक सेकंड ले तो यहाँ हो जाएगा बेटा एम बराबर डब्लू। एम बराबर क्या होगा? डब्लू। अर्थात किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में, ये अपन लिखेंगे, अर्थात किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में
एक एम्पेयर की धारा को एक सेकंड तक प्रवाहित करते हो तो कैथोड इलेक्ट्रोड, दोनों कैथोड एनोड आगे, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है डब एम उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इसे ही बोलोगे आप लोग क्या, फैराडे का प्रथम नियम। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ये वाला तो आप फैराडे का करना कि ये सवाल इतना आया था, ठीक है बेटा, और इसकी परिभाषा आप लोग खुद लिख देना, ठीक है बेटा। चलो अब आगे